हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। Jai Lakshmi Mata।
पिताश्री, ये रोना धोना बंद कर दीजिए। आप तो जानती ही हैं कि पिताश्री को आंसू अच्छे नहीं लगते थे। वो तो सदा सर्वदा लोगों को रुलाते थे, और अब मैं उनका राज सिंहासन संभाल कर अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और अपने शत्रुओं को खून के आंसू रुलाऊंगा मैं। परंतु पुत्र, तुम्हें अपनी शिक्षा पूरी करनी है, गुरुकुल वापस जाना है। नहीं माताश्री, अब मैं गुरुकुल नहीं जाऊंगा, अब मैं राज्य का भार संभालूंगा। नारायण नारायण नारायण। मातेश्वरी, फिर वही कुटिल इतिहास की पुनर्रचना। क्या हुआ देवर्षि, किस बात पर इतने निराश हो रहे हैं? मातेश्वरी, अपनी हठधर्मी के कारण असुर राज दुर्जय ने अपने प्राण खो दिए, अपने अंत तक शत्रुता नहीं छोड़ी, और फिर उसी इतिहास की पुनर्रचना दुर्जय का पुत्र भैरव कर रहा है। मैया, यही तो असुर प्रवृत्ति है देवर्षि। पिता की शत्रुता पुत्र और पुत्र का पुत्र तक निभाता है, वंश के वंश समाप्त हो जाते हैं, परंतु शत्रुता का अंत नहीं होता। इसी बात का तो खेद है मुझे मैया। इससे अधिक खेद उस बात पर होना चाहिए कि यही असुर प्रवृत्ति कभी कभी मानव जाति में भी उत्पन्न होती है और समाप्त होने में नहीं आती। हाँ मातेश्वरी, जब मनुष्य अधर्म के मार्ग पर पग धरता है तो किसी अंधे की भांति उसी मार्ग पर आगे बढ़ता ही चला जाता है, चाहे उसे कितनी ही ठोकरें क्यों ना लगे। परंतु फिर भी मनुष्य से ये आशा रहती है कि किसी ठोकर पर तो उसकी आंखें खुलेंगी, और जब तक मनुष्य से मानवता और धर्म की आशा बंधी रहती है, प्रलय नहीं आती। आप धन्य है मैया। नारायण नारायण। यह स्थान एक समृद्धशाली जनपद था। राम, यही है ताड़का। वैष्णो वैष्णो वैष्णो, इस बाल्यपन में तुम्हें खेलकूद का आनंद लेना चाहिए, और तुम ध्यान लगाए बैठी हो। पिताश्री, सबसे बड़ा आनंद प्रभु से मन लगाने में ही है। मैं प्रभु का ध्यान लगाकर उन्हीं का नाम जप रही थी। श्री राम श्री राम श्री राम। प्रभु श्री राम? हाँ माता श्री, मैंने श्री राम का ध्यान लगाकर अपने मन की आंखों से प्रभु के दर्शन भी कर लिए हैं। इसका अर्थ है कि प्रभु ने तुम्हें अपने दर्शनों से अनुग्रहित किया है। हाँ पिताश्री, मैंने उन्हें राक्षसी तारका का वध करते हुए भी देखा है। सच? ये तो बड़ा शुभ समाचार है। पिताश्री, अधर्मी राक्षसी ताड़का का वध देखने में बड़ा आनंद आया। वैष्णो, और आगे बताओ, प्रभु श्री राम अब क्या कर रहे हैं?
बताती हूँ माताश्री, इस समय श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ महर्षि विश्वामित्र के यज्ञों की रक्षा करने के लिए उनके साथ पवित्र स्थान सिद्धायतन पर जा रहे हैं। पिताश्री, हम प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए कब चलेंगे? नारायण, देख लिया मैया, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए देवी वैष्णव कितनी व्याकुल हो रही हैं। हाँ देवर्षि, जब मानव अवतार में भगवान स्वयं धरती पर उपस्थित हूँ तो कौन सा श्रद्धालु मानव, दानव या देवता होगा जिसका मन उनके दर्शन के लिए व्याकुल नहीं होगा? नारायण नारायण मातेश्वरी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे स्वाहा। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भवा। राज्य का अधिपति होने के नाते मैं राजा रत्नाकर की नगरी पर आक्रमण करना चाहता हूँ। मुझे यशस्वी होने का आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। नहीं राक्षस राज भैरव। गुरुदेव, मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ है, परंतु रत्नाकर पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं दे सकता। क्यों गुरुदेव क्यों? क्या आपको मेरे बाहुबल पर, मेरे शौर्य पर, मेरे पराक्रम पर शंका है, संदेह है? नहीं राक्षस राज भैरव, मैं केवल वैष्णो की भयंकर माया के कारण चिंतित हूं। राक्षस राज भैरव महाराज दुर्जय महामायावी थे, परंतु वैष्णो को वो अपनी माया के प्रभाव में नहीं ला सके, बल्कि वैष्णो की माया के अधीन होकर मृत्यु के भी अधीन हो गए। मैं इसी का प्रतिशोध लेना चाहता हूं गुरुदेव। अवश्य लीजिए राक्षस राज भैरव, परंतु प्रतिशोध के लिए ये अवसर उचित नहीं है। मैं तो शीघ्र अति शीघ्र वैष्णव का निपटारा करना चाहता हूं गुरुदेव, परंतु आप मुझे नपुंसकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। आपको हर हाल में अपने आप को रोकना होगा राक्षस राज। परंतु क्यों गुरुदेव? क्योंकि जब तक तपस्या करके आप वैष्णव से अधिक शक्तियां प्राप्त नहीं कर लेते और उसे पराजित करने के योग्य नहीं बन जाते, मैं आपको आक्रमण करने की आज्ञा नहीं दे सकता। ठीक है गुरुदेव, मैं आपकी बात भली भांति समझ गया हूं। अब मैं तपस्या करूंगा, सिद्धियां प्राप्त करूंगा और उस वैष्णव से अपना प्रतिशोध लूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। आपकी तपस्या फलीभूत हो। प्रणाम गुरुदेव। पिताश्री माताश्री, आप दोनों ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया है। पुत्री, तुमने भी तो पुत्री प्रेम से हमारी झोली भर दी है। वैष्णो, तुम्हारा प्यार समेटते समेटते मेरा आंचल भर भर के छलकने लगा है। हम दोनों ही तुम्हारे प्यार से तृप्त हो गए हैं। जानती हूँ पिताश्री, इसलिए अब मैं अपना अधिक समय तपस्या में बिताना चाहती हूँ। अब मैं घोर तपस्या करूँगी। घोर तपस्या? इतनी छोटी आयु में? हाँ, परंतु इसकी क्या आवश्यकता है पुत्री? पिताश्री, तपस्या जो किसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से की जाती है उसका स्थान तो बहुत छोटा होता है। तपस्या किसी स्वार्थ से नहीं, भक्ति भाव से की जानी चाहिए। निस्वार्थ तपस्या की गरिमा आकाश को छूती है। पिताश्री माताश्री, आप अपने प्यार और लाड़ के बंधन से तपस्या में बाधा डालना तो नहीं चाहेंगे? नहीं पुत्री, नहीं पुत्री,
परंतु एक बात है पुत्री, जब तुम तपस्या में लंबे समय तक लीन रहा करोगी तो हमें यूं लगेगा जैसे हमने पुत्री को खो दिया है। वैष्णो, हाँ, मेरी गोद, मेरे हाथ और मेरे होंठ तुम्हारे स्पर्श के लिए तरसा करेंगे। तुम हमारे पास होते हुए भी हमसे दूर रहोगी। हाँ पिताश्री, संसार में भक्ति का रहस्य यही है कि तपस्या करने वाला संसार में रहता भी है और संसार से नाता तोड़ता भी है, और जब तक मानव संसार से नाता नहीं तोड़ता तो परमेश्वर से नाता कैसे जोड़ सकता है। हे देवी वैष्णवी, आप मानव शरीर में एक दिव्य आत्मा है, इसलिए आपके लिए संसार से मुंह मोड़ना सहज है, परंतु हम संसारियों के लिए संसारिक मोह से अथवा पुत्री के मोह से मुंह मोड़ना बहुत कठिन है। माताश्री, यूं रोकर मेरा रास्ता मत रोकिए, मैं बड़ी से बड़ी आंधी से गुजर सकती हूँ, प्रलय भी मुझे नहीं रोक सकता, मगर मैं अपनी माता और अपने पिता के आंसुओं के समुद्र को पार नहीं कर सकती। वैष्णो, यदि आप दोनों की इच्छा नहीं है तो मैं आप दोनों की ममता पर अपनी तपस्या को भेंट चढ़ा दूंगी। नहीं वैष्णो, नहीं, आपके इतने बड़े बलिदान का उपकार हम कैसे उतार सकेंगे। पुत्री वैष्णो, आपकी कृपा का भार मेरी ममता पर इतना है कि मैं 100 जन्मों तक भी तुम्हारी तपस्या करूंगी तो ये भार उतार नहीं पाऊंगी। संतान माता पिता पर कोई उपकार नहीं करती माताश्री, आपके यहाँ मेरा जन्म लेना तो एक निमित्त है। आपकी पुत्री बनकर मैंने अपना पहला धर्म निभाया और अधर्मी राक्षस राज दुर्जय का वध करके मैंने अपना दूसरा धर्म निभाया है। मेरे 2 सांसारिक उद्देश्य पूरे हुए हैं, इनके अतिरिक्त भी मुझे कई दूसरे उद्देश्यों की पूर्ति करनी है, परंतु इसमें अभी समय है, इसलिए मैं तब तक अपने परमेश्वर की तपस्या करना चाहती हूँ। इसी के लिए मैं आप दोनों से आज्ञा मांग रही हूँ। बहाते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए आज्ञा दीजिए। वैष्णो, वैष्णो, मेरी पुत्री। Thank you.
शक्तिमान हो गया, सर्वशक्तिमान हो गया, मुझे सबसे महान सिद्धियां प्राप्त हो गई है। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मेरी तपस्या सफल और संपन्न हो गई। जय विष्णु प्रिया, हम पे रखना सदा शिव।